चंद्रयान त्रण लैंडिंग पहला ईसरोए कहूं कि ऑल इज वेल। ईसरोए तेनी साथे चंद्रयान त्रण लैंडर द्वारा लेवामां आवेली चंद्रनी नवी तस्वीरों ने पण जाहिर करी छे। ईसरोए एक्स पर पोस्ट करता कहूं कि चंद्रयान मिशन निर्धारित समय पर छे। स्पेस एजेंसीए कहूं छे कि सिस्टमनी नियमित तपास चाली रही छे अने काम सुचारूपणे चाली रह्युं छे। चंद्रयान त्रण चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की बेसब्रीती राह जोवाई रही छे। ईसरोए नवा अपडेट नी साथे चंद्रयान त्रणना लैंडर द्वारा लेवामां आवेली चंद्रनी नवी तस्वीरों जाहिर करी छे। ईसरोए कह्युं छे कि आ 19 ऑगस्ट नो लगभग 70 किलोमीटर नी ऊंचाई थी लैंडर पोजिशन डिटेक्शन केमेरा द्वारा लेवामां आवेलुं चंद्रनो फोटोग्राफ छे। एलपीडीसी तस्वीरों ऑनबोर्ड चंद्र संदर्भना नक्शा साथे मिलान करी अने लैंडर मॉड्यूल ने तेनी स्थिति निर्धारित करवामां मदद करे। ईसरो एक्स पर पोस्ट करता कहूं छे कि चंद्रयान त्रण मिशन निर्धारित समय पर छे। सिस्टम नी नियमित तपास चाली रही छे अने काम पण सुचारू रूपे चाली रह्युं छे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरने मिशन चंद्रयान त्रण नी सफल लैंडिंग भारत माटे गर्वनी क्षण हशे तेम कह्युं हतुं। तो आ साथे तेओए जणाव्युं के भारत हवे एवी स्थितिमां पहोंची गयुं छे के ज्यां ए चंद्र पर तेना उपकरणो मोकली शके छे। हुं चंद्रनी सपाटी पर विक्रम लैंडरना लैंड थवानी उतरणनी राह जोई रह्यो छुं। ईसरोए जणाव्युं के चंद्रयान त्रण नी लैंडिंगनुं जीवन प्रसारण 23 ऑगस्टे सांजे 5:20 वागे शरू थशे। तो आ साथे ज ईसरोए 19 ऑगस्ट 2023 ना रोज विक्रम लैंडरना लैंड पोजिशन डिटेक्शन केमेरा द्वारा लेवामां आवेली केटलीक तस्वीरों पण शेर करी हती। एवं कहेवामां आव्युं छे कि आ तस्वीर चंद्रनी सपाटीथी 70 किलोमीटर उपरथी लेवामां आवी हती। नाउ हेज रीच्ड अ स्टेज वेर इट केन सेंड इट्स ओन इंस्ट्रूमेंट टू दी मून एंड लाइक any other 140 crore people of this country, I am also waiting to see the Vikram land on the surface of the moon and the rover goes out and starts expeditions on the surface of the moon. चंद्रयान त्रण हवे चंद्रनी सपाटीथी थोड़ा ज अंतरे छे। तेनुं लैंडिंग 23 ऑगस्टे सांजे 6:04 कलाके चंद्र पर थवानुं छे। परंतु हवे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एटले के ईसरोए कह्युं छे कि चंद्रयाननुं चंद्र पर लैंडिंग 27 ऑगस्ट सुधी लंबावी शकाय तेम छे। अमदावाद स्थित ईसरोना स्पेस एप्लिकेशन सेंटरना डिरेक्टर निलेश एम देसाईए जणाव्युं हतुं कि चंद्रयानना चंद्र पर उतरणना 2 कलाक पहेला अमे लैंडर अने चंद्रनी स्थितिनी समीक्षा करीशुं अने त्यारबाद लैंडरने चंद्र पर उतारवा अंगे निर्णय लईशुं। जो एवं जणाशे कि लैंडर अथवा चंद्रनी स्थिति लैंडिंग माटे योग्य नथी तो અમે તેને 27 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવીશું, જ્યારે 23 ઓગસ્ટે લેન્ડરને લેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। સ્થિતિ હે ઉસકો સબકો ધ્યાનમાં રખતે હુએ લગભગ 2 ઘંટે પહેલે હમ યે નિર્ણય લેંગે કે ઉસ દિન ચંદ્ર પે ઉતરાણ કરના ઠીક રહેગા કે નહીં રહેગા। તો અગર મેરે ખ્યાલ સે કોઈ ઓર મુશ્કિલ તો આને વાલી હે નહીં ઓર હમ પૂર્ણતયા 23 ઓગસ્ટ કો હી ચંદ્ર પે ઉતરને કા પ્રયાસ કરેંગે। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। બ્રિક્સના સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દક્ષિણ આફ્રિકા જવા માટે રવાના થયા છે। બ્રિક્સ સમિટ માટે રવાના થતા પહેલા વડાપ્રધાન કાર્યાલય તરફથી એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમની યાત્રાની જાણકારી આપવામાં આવી હતી। દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસાએ આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું। પીએમ મોદી 22-24 ઓગસ્ટ 2023 રોજ અનેક દેશોના નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે। ગ્રીસના વડાપ્રધાન કિરિયાકોસ મિત્સોકીસના આમંત્રણ પર પીએમ મોદી 25 ઓગસ્ટ 2023 રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાથી એથેન્સ જશે। પીએમ મોદી 40 વર્ષ પછી ગ્રીસની મુલાકાત લેનાર પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન બનશે। દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાનારા બ્રિક્સના શિખર સંમેલનમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના પ્રમુખ જિનપિંગ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે। વિદેશ સચિવ
विनय कावतराए कहूं हतु के पीएम मोदी की विदेश नेताओं साथेनी मुलाकातों टाइम टेबल ने अंतिम रूप आपवामां आवी रह्युं छे। बंने देशना नेताओं वच्चे मुलाकात थशे के नहीं ते हजु सत्तावार कहेवायुं नथी, परंतु मुलाकात की उजड़ी शक्यता छे। जो मुलाकात थशे तो 2020 में लद्दाख में बंने देशों सैन्य वच्चे लुयर संघर्ष थयो पछी पहली द्विपक्षीय मुलाकात बनशे। पीएम मोदी और जिनपिंग वच्चे छेल्ली रूबरू मुलाकात G20 सम्मेलन में गया नवम्बर में बाली में थई हती, जो कि वक्त बन्ने वच्चे द्विपक्षीय संवाद न थयो हतो, मात्र एकबीजा अभिवादन थयो हतो। अगौ एवी अटकळो हती कि जिनपिंग ब्रिक्स में हाजर रहेवा माटे जवाना नथी, परंतु चीनना विदेश मंत्रालये सत्तावार रीते जिनपिंग ब्रिक्स में हाजर रहेशे तेवी जाहेरात करी हती। विविध देशों संगठन की वर्च्युअल मीटिंग में मोदी जिनपिंग हाजर रहा होय एवं घणी वक्त बन्यु छे, परंतु सरहदी विवाद पछी द्विपक्षीय रूबरू मुलाकात तो नहीं थई। केन्द्रीय मंत्री रामदास अठवले जणाव्यु कि विपक्ष इंडिया गठबंधन में वडाप्रधान पदनु उम्मीदवार कोण बनशे हजु स्पष्ट नहीं। गठबंधन में शामिल केटलाक राजकीय पक्षों ने नेताओं वच्चे अनेक बाबतों ने लई अने मतभेद छे। गठबंधन में शामिल दरेक पार्टी नेता वडाप्रधान बनवानी महत्वाकांक्षा राखे छे। उद्धव ठाकरे, ममता बेनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल पीएम पदना उम्मीदवार की रेस में छे। विपक्षी गठबंधन एकमत थई शकशे नहीं, भाजप ने आ विषय कोई चिंता नहीं। वडाप्रधान मोदी मजबूत नेतृत्व हेठ भाजप आगामी लोकसभा की चूंटी में 350 से वधु बैठकों जीतशे। जो मुंबई में 31 और 1 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, तो उनको मीटिंग लेने का अधिकार है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन रहेगा, इसके बारे में मतलब उनके उनमें बहुत सारे मतभेद है, और हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो INDIA का जो अलायंस है, विरोधी दल का अलायंस जो है, उसमें प्रधानमंत्री जी के नाम पर एकमत नहीं हो सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है हमें कोई चिंता नहीं है। 2024 में जो भी कुछ हो जाएगा, जनता हमारे साथ है और हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश सागर में जाहिर सभा में संबोधन दरमियान कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाजप ने शिवराज सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। खड़गे दावो कर्यो कि वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार गैरकायदेसर छे, लोकोए आ सरकार ने चूंटी नहीं, परंतु तेमणे अमारा धारासभ्योनी चोरी करी सरकार बनावी छे। तो आ साथे ज भाजप बीजी तरफ दावो करे छे कि तेणे पोताना दम पर सरकार बनावी छे। खड़गे दावो कर्यो छे कि भाजप लोकोने ईडीनो डर बतावी अने पोतानी सरकार बनावी छे। भाजपे कर्नाटक में पण आवुं कर्युं हतुं। भाजप जे राज्य में सत्ता में चूंटाती नथी ते आवी रीते सरकार बनावे छे। ये इलीगल गवर्नमेंट है, लोग उनको चाह कर यहां नहीं बिठाए, हमारे MLA को चोरी करके लेके गए, क्योंकि देश है और दुनिया में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, चोर लोग भी होते हैं। तो उनको सब लेकर आज आपने यहां हुकूमत चला रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख प्रवासे छे, त्यारे लेहना मुख्य बजार में तेओ सेनाना निवृत्त अधिकारीओने मळ्या हता। राहुले तेमनी साथे तिरंगो फरकाव्यो हतो अने भारत माता की जयना नारा पण लगाव्या हता। आ जोवा माटे बजार में मोटी संख्या में लोकोनी भीड उमटी पड़ी हती। आ विषे वात करता सेनाना निवृत्त अधिकारीए जणाव्यु हतु कि तेमणे राहुल गांधी साथे लद्दाख ने अग्निवीर योजनामांथी बाकात राखवानी चर्चा करी हती। पाकिस्तान अने चीन साथे सरहद धरावतु लद्दाख खूब ज संवेदनशील क्षेत्र छे, रेजिमेंट में एक बे पलटन वधारवामां आवे तेवी पण चर्चा छे। एक अग्निवीर के बारे में बात हुआ, हमने राहुल जी से कहा कि अग्निवीर अच्छा, गवर्नमेंट ने सोच समझ के अच्छा किया है, हमारे लद्दाख के लोगों के लिए ये रिलैक्सेशन होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टेक्टिक अभी बोला आपने, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। दूसरी बात, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर 11,000 फीट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद 4 साल में वो मतलब निकल देगा।
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી લેના મુખ્ય બજારમાં આવેલી ફળ શાકભાજીની દુકાનમાંથી ખરીદી કરી રહ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો એકત્રિત થયા હતા. રાહુલ ગાંધીએ ફળ શાકભાજીની દુકાનમાંથી 1 કિલો જરદાળુ ખરીદ્યા. દુકાનદારે જણાવ્યું કે રાહુલે જરદાળુના પ્રકાર અને ગુણવત્તા વિશે તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી. આ સાથે તેમણે બજારમાં 1000 લોકો અને દુકાનદારો સાથે પણ વાતચીત કરી. રાહુલ ગાંધી 25 ઓગસ્ટ સુધી લેહ લદ્દાખના પ્રવાસે છે અને આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ પહાડોની વચ્ચે બાઇક ચલાવતા જોવા મળ્યા. રાહુલ ગાંધીએ 20 ઓગસ્ટના રોજ તેમના પિતા અને પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીને જન્મજયંતિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. हाँ जी, जी अब रिकॉर्ड का नाम पूछा, कौन से क्वालिटी का है पूछा, ड्राई वाला पूछा, फिर 1 केजी खरीदा 400 का. हाँ जी, क्या कुछ बात की, काफी देर तक बात कर रहे थे राहुल गांधी? बस यही है, अब रिकॉर्ड का पूछा, फिर कहाँ का है बोला, फिर आर्यन ओली का है. अब रिकॉर्ड के बारे में पूछा, बस वही पूछा, ड्राई वाला रिकॉर्ड के बारे में पूछा, फिर कहाँ कहाँ का पूछा, क्वालिटी का सब पूछा. બિહારના મોતીહારીમાં નાગપંચમી નિમિત્તે નીકળેલી મહાવીર યાત્રા પર પથ્થરમારાની ઘટના બાદ પ્રદેશના અનેક ક્ષેત્રમાં 2 જૂથ વચ્ચે હિંસક અથડામણના બનાવ બન્યા હતા. પશ્ચિમ ચંપારણના બઘા ટાઉન અને પૂર્વી ચંપારણના મોતીહારીમાં 3 સ્થળોએ પથ્થરમારો, તોડફોડ અને આગચંપીની ઘટનાઓ બની. આ સ્થિતિ બાદ વિપક્ષી દળોએ રાજ્યમાં કથળતી કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર અનેક સવાલ ઉઠાવ્યા. બગાહા શહેરમાં ધાર્મિક શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારામાં 3 પોલીસકર્મીઓ સહિત 12 લોકો ઘાયલ થયા. સ્થિતિ વધુ ન બગડે તે માટે હિંસાગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાં પોલીસ બળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું. બિહાર પોલીસના અધિકારીએ જણાવ્યું કે સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. અશાંતિ ફેલાવનાર અસામાજિક તત્વોની ઓળખ કરી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હિંસક ઝડપની સૂચના મળી તભી હમ લોગ યહાં આયે હુએ હૈ. અફવાહ જ્યાદે હૈ, યથાર્થ મેં કમ હૈ, લેકિન અફવાહ દુષ્પ્રચાર જ્યાદે ફેલાયા ગયા. હમ લોગોને દેખા, કહીં કહીં બોલા કે महावीर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है. ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं. महावीर जी की मूर्ति भी बगल में आपके समक्ष है, देख सकते हैं. और मस्जिद के पास भी हम लोगों ने भ्रमण किया, स्थल निरीक्षण किया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन इसमें कुछ गलत शरारती तत्व जो दुष्प्रचार किया है, गुमराह किया है लोगों को, थोड़ा पत्थरबाजी किया है. आंशिक रूप से कुछ लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन मामूली है, आंशिक है. और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दुष्प्रचार किया गया, बिल्कुल स्थिति नियंत्रणपूर्ण है. ડુંગળી પર 40% નિકાસ ડ્યુટી લાદવાના વિરોધમાં નાસિક જિલ્લાની તમામ કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિઓએ ડુંગળીનું જથ્થાબંધ વેચાણ અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આ પછી સરકાર એક્શનમાં આવી અને કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે મોદી સરકારે નાસિક અને અહમદનગરમાં વિશેષ ખરીદી કેન્દ્ર સ્થાપી અને 2 લાખ મેટ્રિક ટન ડુંગળી ખરીદવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યમાં ઉત્પાદકો પાસેથી સરકાર 2410 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવે ડુંગળીની ખરીદી કરશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે જો જરૂર પડશે તો નાફેડ અને એનસીસીએફ 2 લાખ મેટ્રિક ટન કરતા પણ વધુ ડુંગળી ખરીદશે. આ સાથે જ કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાંથી પણ ડુંગળીની ખરીદી કરશે. આજ સુબહ 11 વાગે સે એનસીસીએફ ઓર નાફેડ ઓર 2 લાખ ટન નાસિક જિસકે પિંપલ ગાંવ, લાસન ગાંવ, અહેમદનગર, ઇસ પૂરે ક્ષેત્ર મેં 2 લાખ ટન ઓર પ્યાજ કી ખરીદ શરૂ કર દેગી. આગે ચલ કે ઓર ખરીદના પડે તો ઓર ભી ખરીદને કે લિયે તૈયાર હૈ, જિસસે કિસાનો કો ભી સહી દામ મિલે. યે પ્યાજ ખરીદને કા દામ આજ કા જો નિર્ધારિત હુઆ હૈ વો 2410 રૂપિયે પ્રતિ ક્વિન્ટલ, 2410 રૂપિયે પ્રતિ ક્વિન્ટલ નિર્ધારિત કિયા ગયા હૈ. મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ નાના પટોલેએ જણાવ્યું કે સરકાર ખેડૂતો સમક્ષ જૂઠાણું ફેલાવી રહી છે. હું દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને પિયુષ ગોયલને પૂછવા માંગુ છું કે સરકારે ડુંગળી પર એક્સપોર્ટ ડ્યુટીમાં વધારો કેમ કર્યો? સરકાર કેમ તેમાં ઘટાડો કરવા નથી માંગતી? જો નાફેડે સમયસર ડુંગળીની ખરીદી ન કરી તો એ બગડી પણ શકે છે અને તેમનું આર્થિક નુકસાન ખેડૂતોને સહન કરવું પડશે. પટોલેએ દાવો કર્યો કે મોદી સરકારે છેલ્લા 9 વર્ષમાં જે રીતે શાસન કર્યું છે તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સરકાર ખેડૂત વિરોધી છે. ભાજપને ખેડૂતોનું નહીં પરંતુ આયાત વ્યવસ્થા કરનારાઓની ચિંતા છે. ભાજપના શાસનમાં ખાતર, બિયારણ અને જંતુનાશકોના ભાવમાં વધારો થયો છે. મેરા સવાલ હે હમારે મિત્ર દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સે ઓર ગોયલ સે ભી કે ભાઈ આપને જો નિર્યાત શેષ બઢાયા હૈ ઉસકો કમ બંધ કર દો ના તો સવાલ આપકો ખરીદના નહીં પડેગા.
लेकिन ये किसान के ऊपर उपकार जताने का जो पाप आप कर रहे हैं, क्योंकि कांदा खराब होने वाली चीज है, अगर इन लोगों के नाफेड़ ने तुरंत खरीदे नहीं तो प्याज खराब हो जाएगा, और प्याज खराब हो गया तो किसान का नुकसान होगा। बीजेपी ये किसान विरोधी है, ये बार बार उनके 10 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में स्पष्ट हुआ है। दिल्ली महिला आयोग ना अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में धरना समाप्त कर दीधा छे। मालीवाले जणाव्यु कि 24 कलाक थी वधु समय थई गयो छे, तेम छतां मने पीड़िता के तेनी माता ने नथी मळवा दीधी, हूँ पीड़िता ने मळी तेनी मदद करवा मांगु छू, तेने वर्तन अने कानूनी सहाय अपावा मांगु छू, परंतु दिल्ली पोलीस पीड़िता ने मळवानी मंजूरी नथी आपी रही। अमे दिल्ली पोलीस ने आ विषे नोटिस जारी करी छे। दुष्कर्मनो आरोपी सरकारी कर्मचारी छे अने मामलो सामे आव्या बाद तेने फरज परथी सस्पेन्ड करवामां आव्यो छे। पोलीसे आरोपीनी धरपकड़ करी वधु तपास हाथ धरी छे। आ वखते चोमासानी सीजन पहाड़ी विस्तारों माटे मुसीबत बनीने आवी छे। हवे सुप्रीम कोर्टे चोमासा दरमियान लोकप्रिय पर्यटन स्थळों एवा हिल स्टेशन में भारे विनाश अंगे चिंता व्यक्त करी छे, तो आ साथे सर्वोच्च अदालते विनाशना कारणोनी तपास करवा पण संमति आपी छे। अभ्यास माटे कमिटी बनावा माटे विचारणा करवामां आवशे। सुप्रीम कोर्टे भारतीय हिमाचल क्षेत्र में स्थित तमाम 13 राज्य अने केन्द्र शासित प्रदेशों में पर्यावरणीय रीते नाजुक विस्तारों, हिल स्टेशनों, ऊंचाईवाड़ा विस्तारों, मुख्य पर्यटन विस्तारों अने प्रवासन स्थलों की वाहन क्षमता ने सुनिश्चित करवा माटे निष्णात पेनल की रचना करवाना संकेत आपी दीधा छे। खास करी अने वाहन क्षमता ने જોવામાં આવશે, સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે અને તેના માટે આખી એક પેનલ રચવામાં આવી શકે છે। મહત્વનું છે કે આ વખતે પહાડી વિસ્તારોમાં આકાશમાંથી વરસાદ આફત બની અને વરસી છે અને ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં વરસાદે વિનાશ વેર્યો છે, જેને પગલે હવે સુપ્રીમ કોર્ટ સતર્ક થઈ ગઈ છે। દિલ્હીની 7 લોકસભા સીટો પર આજથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રચાર શરૂ થશે। રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને દિલ્હી પ્રભારી બૈજયંત પાંડા મોદી સરકારની નીતિઓ અને યોજનાઓને લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે। અગાઉ દિલ્હી ભાજપે 7 લોકસભા બેઠકો માટે 7 પ્રભારીઓની નિમણૂક કરી હતી। ભાજપની બદલાયેલી ચૂંટણી વ્યૂહરચના હેઠળ ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત પહેલા ચૂંટણી તૈયારીઓ કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। આ અંતર્ગત દિલ્હી ભાજપ સંગઠનને 7 લોકસભા બેઠકો સુધી વિસ્તારવા માટે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ, મહામંત્રીઓ અને તેના સંગઠન સાથે જોડાયેલા તમામ મોરચાના પ્રભારીઓની નિમણૂક કરી છે। વાસ્તવમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ગઠબંધનની રમઝટ વચ્ચે ભાજપે દિલ્હીની તમામ લોકસભા બેઠકો માટે ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેજ કરી છે, જોકે દિલ્હીમાં લોકસભા સીટો માટે કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે હજુ સુધી કોઈ ગઠબંધન નથી। કોંગ્રેસે પણ પોતાના કાર્યકર્તાઓને દિલ્હીની તમામ 7 બેઠકો પર તૈયાર રહેવાની સૂચના આપી છે। આવી સ્થિતિમાં દિલ્હીમાં સીટોની વહેંચણીને લઈ અને કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે હજુ પણ અસમંજસ જોવા મળી રહી છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તમામ હંગામી કર્મચારીઓને નિયમિત કરવામાં આવશે। ત્યાગરાજ સ્ટેડિયમ ખાતે એક એમસીડી કાર્યક્રમને સંબોધતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને 13 વર્ષ પછી મહિનાની પહેલી તારીખે પગાર મળ્યો। તેમણે આ કાર્યક્રમમાં 317 નવા નિયમિત કર્મચારીઓને નિમણૂક પત્ર પણ આપ્યા। વધુમાં તેઓએ કહ્યું કે ભગવાન અમારી સાથે છે અને તેમના આશીર્વાદ અને તમારા બધાના આશીર્વાદથી હું આશાવાદી છું કે અમે એમસીડીને વિશ્વની શ્રેષ્ઠ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બનાવીશું। ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિના પ્રમુખ અને મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવે આગામી તેલંગણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 119માંથી 115 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી। કેસીઆર માટે જાણીતા રાવના આ વર્ષાંતમાં યોજાનારી રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગજવેલ અને કામરેડ્ડી મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડવાના છે, તો દરમિયાન વિપક્ષી પાર્ટીઓ કોંગ્રેસ અને બીજેપીએ કહ્યું કે કેસીઆરનો 2 બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય તેમની અસુરક્ષા દર્શાવે છે। કેસીઆરના મતે માત્ર 7 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં ઉમેદવારો બદલવામાં આવ્યા છે। બીઆરએસના વડાએ એમ પણ કહ્યું કે પાર્ટી 16 ઓક્ટોબરે વારંગલમાં પોતાનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કરશે। રાવે પત્રકાર પરિષદમાં પત્રકારોને જણાવ્યું કે બીઆરએસ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કુલ 119માંથી 95થી 105 જેટલી બેઠકો જીતશે।
पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तरफ थी झटको लाग्यो छे। कोर्टे पश्चिम बंगाल में स्थानिक संस्थाओं मामला में हस्तक्षेप करने इनकार कर्यो छे। सुप्रीम कोर्ट सम्मत छे कि स्थानिक संस्थाओं की भर्ती और शिक्षक भर्ती कौभांड वच्चे कड़ी छे। आ बन्ने केस में ते सीबीआई और ईडी की तपासनो सामनो करी रही छे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की आगेवानी हेठनी त्रण न्यायाधीशों की बेंचे कथित कौभांड में सीबीआई और ईडी की तपास ने पड़कारती पश्चिम बंगाल सरकार की अरजी पर राहत आपवानो इनकार कर्यो। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंचे ए दलील स्वीकारी थी कि आ बधु कोई मोटा षड्यंत्र भाग होई शके छे। सीबीआई की तपास घनी आगळ वधी गई छे, हवे तेमां हस्तक्षेप करी अने तेने अटकाववो ए योग्य न कही शकाय। राजस्थान विधानसभा की चूंटणी ने ध्यान में राखी भाजप प्रदेश अलग अलग क्षेत्र में चार परिवर्तन यात्रा करते 2 सप्टेम्बर थी 5 सप्टेम्बर सुधीना समयगाड़ा में यात्रा काढ़ आ यात्राओं समापन कार्यक्रम 25 सप्टेम्बर रोज जयपुर में थे। 2 सप्टेम्बर रोज सवाई मोधापुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर थी आ यात्रा की शुरूआत कर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह यात्रा ने रवाना करावशे। बीजी यात्रा 3 सप्टेम्बरे डूंगरपुर वैनेश्वर धाम थी निकलशे अने तेमा भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पण हाजर रहेशे। तो आ साथे ज अन्य बे यात्राओं में पण भाजपना दिग्गज नेताओं हाजरी आपशे। राजस्थान की चूंटणी ने 3 महीना थी पण ओछो समय बाकी छे त्यारे भाजपे प्रदेश में मेनिफेस्टो कमिटी की पण रचना करी छे। हरियाणा और पंजाब खेडूतोए पाक ने थयेला नुकसान वळतर और अन्य मांगणीओ ने लई सुंगरूरना लोंगोवाल पोलीस स्टेशन बहार धरना आप्या हता। खेडूतोना विरोध प्रदर्शन ने ध्यान में राखी अने क्षेत्र में चुस्त पोलीस बंदोबस्त खड़की देवामां आव्यो छे। पंचकुला थी चंडीगढ़ और मोहाली तरफ जता तमाम रस्ता पर नाकाबंदी करवामां आवी छे। तो आ साथे अनेक खेडूत नेताओं ने नजरकैद पण करवामां आव्या छे। पंचकुलाना पिंजूर में मोड़ी रात्रे पोलीस एक खेडूत नेता करमसिंह की अटकायत करी हती। आ विषे बात करता खेडूत प्रतिनिधि दिलबाग सिंह हरिगढ़े जणाव्युं के खेडूतोना पाक ने नुकसान थयुं छे माटे केन्द्र सरकार सहाय पेटे 50,000 करोड़ रूपयानु राहत पैकेज जाहिर करे। खेडूत संगठनों की मांग है कि केरल सरकार की जेम केन्द्र सरकार पण एमएसपी कायदो घड़े जेथी खेडूतोने वधु आर्थिक नुकसान सहन न करवू पड़े। हम भी जहां पर संगरूर में मांग कर रहे थे कि हम बड़बर वाला टोल प्लाजा है उसको फ्री करेंगे, हम ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, हम कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे, हमको जाने दीजिए, हमारे आगू हाथ मानते रहे हैं। लेकिन पोस्ट प्रशासन ने अन्यवाह बेकरकी से लाठीचार्ज किया है। हमारे वाहन पन्ने हैं, बसें पन्नी हैं, ट्रैक्टर पन्ने हैं, बंदे कूटे हैं। हमारा मानना है कि जो हमारी मांग, हमारी खेतों की मांग थी, किसानों की मांगें थी, चंडीगढ़ केंद्र सरकार संबंधित थी, वो पंजाब सरकार ने जहां से सानू मजबूर किया है इकट्ठे होने के लिए। पंजाबना संगरूर में खेडूतो अने पोलीस वच्चे थयेला घर्षण दरमियान एक खेडूत ट्रेक्टर नीचे आवी जता तेनुं मौत थयुं। आ घटनाना विरोध में प्रदेश कांग्रेसना नेताओए धरना आपी अने विरोध कर्यो। कांग्रेसना नेताओए आ समग्र बनाव माटे पंजाबना मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाबदार ठेरव्या हता। खेडूतोने जे रीते चंडीगढ़ जता अटकाववामां आवी रह्या छे लोकतांत्रिक मूल्यों विरुद्ध छे। सरकारे खेडूतोनी मांग सांभळी तेनो उकेल लावो जोईए। तो आ साथे ज कांग्रेसना नेता प्रतापसिंह बाजवाए जणाव्युं के अमे निर्दयताथी लाठीचार्ज करनारा पोलीस अधिकारीओनी निंदा करीए छीए। पंजाब अने हरियाणा हाईकोर्टना मुख्य न्यायाधीश ने विनंती छे के तेओ पोते आ घटनानुं संज्ञान लई अने भगवंत मान अने जवाबदार लोको विरुद्ध आईपीसीनी कलम 302 हेठळ गुनो दाखल करवामां आवे। आज किसान की जो फसल मर गई है उसका मुआवजा देना चाहिए और जिस प्रकार से कल पुलिस ने जासी की है, लाठी चार्ज किया और भगदड़ में किसान एक ट्रॉली के नीचे आ गया, मैं समझता हूँ उस ट्रॉली और किसान का क्या कसूर था। तो ये सरासर जासी है, ये अन्याय है, ये धक्का है, हम इसके खिलाफ हैं, हम सरकार का इस बार में विरोध करते हैं और किसानों को उनकी मांगे मानी जाए। आज पूरे किसान देश के, पूरे पंजाब के किसान चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं, अगर वहीं पर अच्छे तरीके से इसको निपटा लिया जाता तो आज ये जरूरत ना पड़ती।
रेलवे प्रधान अश्विनी वैष्णवे सोमवार जणाव्यु हतु के अमृत भारत स्टेशन योजना हेठळ मध्यप्रदेश ग्वालियर सहित देश 1300 रेलवे स्टेशनों ने पुनः विकास और आधुनिक बनावामां आवशे। रेलवे मंत्री कहु कि कुल 1300 रेलवे स्टेशन नु पुनः विकास और आधुनिकीकरण करवामां आवी रह्युं छे अने अंतर्गत ग्वालियर स्टेशन पर 500 करोड़ रूपया रोकाण करवामां आव्युं छे। नेरोगेज लाइन ने ब्रॉडगेज में फेरवानुं काम झड़पथी चाली रह्युं छे। वैष्णवे कहु छे कि रेलवे स्टेशन पर वधु बे प्लेटफॉर्म बनावामां आवशे, ते सुंदर डिजाइन और आधुनिक सुविधाओंथी सज्ज हशे। रेलवे मंत्रीए कहु कि जूना रेलवे स्टेशन वारसाने पुनः विकास और आधुनिकीकरण दरमियान साचवामां आवशे।